इस परिसर का सिंगल रूम है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है और साल में 365 दिन में से यदि एक सप्ताह के लिए भी आप इसे योगा ग्राम में आते हैं और आप सिंगल हैं तो यहाँ सिंगल रूम है, आप फैमिली के साथ हैं तो यहाँ फैमिली रूम है और आपको बहुत हाई एकोमोडेशन में रहने की आदत पड़ी हुई है, अथवा आप अपने परिवार की खुशियों के लिए, उनको उनके एडवेंचर के लिए, उनके आरोग्य के लिए, उनके आनंद प्रसन्नता और खुशियों के लिए, आप उनकी आउटिंग के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन सादगी के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में, आरोग्य का और एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन आप यहाँ से पा सकते हैं। मैं आपको इस पूरे परिवेश से थोड़ा सा परिचय करवा रहा हूँ। यहाँ इस तरह की पूरी जो है इंटीरियर की व्यवस्था, मैंने कहा था हर कमरे में आपको अलग प्रकार की सीनरीज यहाँ पर लगाई गई हैं। पूज्य श्रद्धाचार्य भक्षण जी के मार्गदर्शन में भाई ललित जी ने इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छे से किया है। रमेश जी जो बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं हैदराबाद के, उन्होंने एक एक चीज़ को खुद देखा है, बड़ी खूबसूरती के साथ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आप उन लिविंग हैबिट्स को जो आप घर परिवार में जिनके साथ जी रहे थे उनको हमने बरकरार रखा है। यहाँ पर भी इसी तरह के बाथरूम आदि की व्यवस्था है, ये एक ट्रेडिशनल लुक दिया गया है यहाँ पर, जहाँ आप अपना सामान रख सकेंगे और बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक बाथरूम की भी व्यवस्था है। यहाँ सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ से लेकर के ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये उदुम्बर गुलर का पेड़ है, बहुत बड़ा एंट्रेंस पर भी था और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा गुलर का पेड़ है ये, और इसके साथ ही पीपल, गुलर और बड़ का पेड़, जो जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा हो उस तरह का एक पेड़ है ये, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। नीचे इसकी जड़ों से लेकर के और आप ऊपर तक के विस्तार को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इस सब के बीच माने सारे ये जो है प्राकृतिक नज़ारे हैं, यहाँ ये आम के पेड़ हैं और आम भी बहुत तरह के हैं, यहाँ दशहरी से लेकर के लंगड़ा और चौसा से लेकर के बहुत तरह के आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों के बीच में ये खूबसूरत फवारे लगे हुए हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरा जो है किचन की व्यवस्था है, बहुत सुंदर। और उन सब के बीच में ये जो है ये इसका रिसेप्शन ऑफिस है, जहाँ जो भी हमारे अभ्यागत हैं, अतिथिगण हैं और अतिथि देवो भव, उन अतिथि देवों की सेवा के लिए यहाँ, जैसे मैंने कहा था कि करीब 7-8 साल पहले मैं स्वयं रहा था, श्रद्धेय गुरुजी भी रहे थे यहीं पर, और ये रिसेप्शन की यहाँ पर व्यवस्था है। जो भी रोगी उपचार के लिए यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन और उनको कौन सा एकोमोडेशन देना है, फिर किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है, अलग अलग प्रकार की 100 से अधिक थेरापियाँ हैं, उन सब का जिसके लिए जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको हम इसके जो थेरापी सेक्शन है, जहाँ पर हमारे अलग अलग थेरापिस्ट अलग अलग प्रकार के जो उपचार हैं वो आपको प्रदान करते हैं, वहां आपको ले चलते हैं। प्राचीन काल में जैसे हमारे अरण्यवासी ऋषि मुनि जंगलों के बीच में झोपड़ियों में रहा करते थे, वैसी झोपड़ी भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और जैसे महलों में रहा करते थे वैसी भी पूरी की पूरी यहां पर व्यवस्था है। अब आपको ये पूरा जो इसका बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पर आपको ले चलते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स आपने विदेशों में तो देखी होंगी, या मैंने कहा कोई बहुत बड़े जो होटल्स हैं, 7 स्टार्स होटल्स जिनको बोलते हैं, या
कोई बहुत जो है महंगे रिसोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में जो फेमस हैं वहाँ पर आपने कुछ देखा होगा, लेकिन भारत में इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनी हुई हैं और उन्हीं में से एक है ये पतंजलि योगपीठ का प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व स्तरीय संस्थान योगा ग्राम, और उसके अंतर्गत ये उपचार के अलग अलग जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ वैद्य के बैठने के लिए ये एक केबिन है, यहाँ पर वैद्य से कंसल्ट करेंगे। वैद्य से कंसल्ट करने के बाद में यहाँ पर दाएं बाएं और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग उपचार के और उपचारिकाओं की व्यवस्था है, माने जो थेरापिस्ट हैं वो भी अलग होंगे लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग, और ये पूरा इनका ये ट्रीटमेंट सेक्शन है, यहाँ पर अलग अलग सब प्रकार के उपचार की व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग जो ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हैं नेचुरोपैथ की दृष्टि से वो यहाँ पर दी गई हैं, और उसको थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं मात्र जो है किस किस तरह से न सर्दी न गर्मी किसी भी प्रकार के अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में आप यहाँ पर ये सारा उपचार ले सकेंगे। और मेरे पीछे ये मसाज रूम है, अभ्यंग करने की व्यवस्था है, और यहाँ अलग अलग प्रकार से पानी से उपचार दिए जाते हैं और चिकित्सा की दृष्टि से तो वो अलग अलग प्रकार की पानी के उपचार की व्यवस्था है। नेचुरोपैथ में सिरोधारा एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था मानी जाती है, आयुर्वेद में भी पंचकर्म में और योग में षटकर्म, ये सब शुद्धि की प्रक्रियाएं हैं और यही प्राकृतिक चिकित्सा है, माने प्रकृति के साथ जुड़ करके आप अपनी कैसे विकृति दूर कर सकते हैं, और उसके लिए ये जितने भी व्यवस्थाएं हैं ये बहुत ही उम्दा कोटि की यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की औषधियों से आपको यदि सिरोधारा के बाद स्टीम देना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ रखी गई हैं और बहुत ही उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। अभ्यंग के बाद माने स्नेहन के बाद स्वेदन के लिए यहाँ सिर बाहर होता है और पूरे शरीर में यहाँ से जड़ी बूटियों को उबाला जाता है, यहाँ इस हीटर के माध्यम से, हीटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने रखे हुए हैं, उनमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, उतना ही टेम्परेचर में आप यहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी स्टीम लेकर के और जो है यहाँ इसमें बैठा दिया जाता है व्यक्ति को, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, किसी की कम किसी की ज़्यादा हाइट होती है तो उसी तरह यहाँ पर ये पट्टा लगा हुआ है, इस पट्टे को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यदि किसी की हाइट कम है तो ये पट्टा ऊपर दिया जाएगा, किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको नीचे कर दिया जाएगा, करीब आधा फिट का इसमें गैप रखा गया है, माने 6 से 8 इंच का और उसकी व्यवस्था है, और यहाँ पर वो जड़ी बूटियों के द्वारा जो स्वेदन किया जाता है उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से सीधे लिटा करके सिर बाहर रख करके वहाँ बैठ करके यहाँ लेट करके भी आप जो है वो स्वेदन ले सकेंगे। इस तरह के बहुत प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जैसे हमारे एनएस में कोई प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से इसके ऊपर आदमी को सीधा बैठा करके और उसमें जो है और नीचे से उसको स्टीम दिया जाएगा, ये पूरी कुर्सी रखी गई है इसके ऊपर, माने अलग अलग प्रकार से ये प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो यहाँ पर अपनाए गए। यहाँ ऊपर जो है एक तरफ लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी, माने बुक से लेकर के डिजिटल लाइब्रेरी वो यहाँ पर रहेगी, अभी पूरा कार्य चल रहा है, 10-15 दिनों में ये कार्य पूरा फिनिश हो जाएगा, तब आप देखेंगे यहाँ पर एक साथ जो है 40-50 व्यक्ति अपने आप को एंगेज कर सकेंगे, यदि उनको कुछ अच्छा साहित्य पढ़ना है, माने पूरे न्यू वर्ल्ड के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी रहेगी और स्पिरिचुअल डिवाइन वर्ल्ड के साथ भी आप यहाँ से जुड़े रहेंगे। यहाँ इंडोर गेम्स और फिजिकल डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइजेज भी जिनको करनी है
जिनको अलग अलग प्रकार का जैसा शौक है वैसा यहाँ पर वो फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज से लेकर के और इंडोर गेम्स तक कर सके। ये विहंगम दृश्य है योगा ग्राम का, जहाँ पीछे हिमालय पर्वत है, सामने राजा जी राष्ट्रीय पार्क है। माने सैकड़ों हजारों साल तक ये प्राकृतिक परिवेश ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है। और इसके बीच में यहाँ पर जो हमने कुछ बनाया है पूरा, ये योगा ग्राम का जो पहले वाला चरण है वो इसके सामने है, जो आपको अब यहाँ से तो नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पूरी सैकड़ों एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर यहाँ खेती करते हैं। जो भी यहाँ स्वास्थ्य साधक आते हैं उनके लिए शाक सब्जियाँ सलाद और सूप आदि के लिए टमाटर से लेकर के गाजर से लेकर के गेहूँ के जवारे गिलोय लौकी आदि सब यहीं पर उगाई जाती है, और वो भी बिना किसी फर्टिलाइजर और केमिकल्स के। योगा ग्राम का नज़ारा आपने कई बार देखा है, जहाँ पर करीब 400 लोगों के आवास और उपचार की व्यवस्था है। और डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से लेकर के बहुत बड़े वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक और योग के आयुर्वेद के सभी निष्णात यहाँ आपको उपचार देते हैं। और मैंने हजारों प्रकार के फूल पौधे, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की है सब तरह की, माने गुलदावदी से लेकर के डेलिया से लेकर के सब प्रकार के सुंदर पुष्प पेड़ पौधे, और संगीत में फवारे से लेकर के यहाँ पर इसका लोग हॉर्स राइडिंग से लेकर के पहले कैमल राइडिंग भी हमने रखी हुई थी, और नौका विहार का भी आनंद लेते हैं सब हमारे आरोग्य साधक। पूरे परिसर में बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पर, ये वॉकिंग ट्रैक कह सकते हैं, आप यहाँ चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और ये जो पूरा परिवेश है, हमारे आरोग्य साधक यहाँ से आरोग्य लाभ लेकर के आ रहे हैं। अभी नए पौध भी अभी लगा रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं कि कुछ थैलियाँ यहाँ पर हैं, ये अभी उठा ली जाएंगे और इनमें नए पौधे लगा दिए जाएंगे। तो एक बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर योगा ग्राम में प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच में, धरती का स्वर्ग है ये योगा ग्राम। साल में एक बार आप भी योगा ग्राम में अवश्य आइए, 7, 10 या 15 दिन यहाँ से आरोग्य लाभ लीजिए। जब सब दुनिया के डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, सारी मेडिकल थेरेपीज फेल हो जाती हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, खास करके पेट की बीमारियां हों, बहुत क्रॉनिक अर्थराइटिस हो, स्किन प्रॉब्लम्स हों, एक्यूट डिप्रेशन हो, जब दुनिया की कोई दवा काम नहीं करती है, उस समय भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा से षटकर्म पंचकर्म और पूरी नेचुरोपैथी की ये पद्धति ऐसी है कि आप यहाँ से नया जीवन पा सकते हैं, पूर्ण आरोग्य पा सकते हैं, अपना खोया हुआ यौवन, खोया हुआ स्वास्थ्य, और एक तरह से जो प्राचीन काल की परंपराएं जो लुप्त प्राय हो गई थी उनको पुनर्जीवित किया हमने पतंजलि योगपीठ और योगा ग्राम में। योगा ग्राम जो इस धरती का स्वर्ग है, यहाँ अब एक नई आरोग्य सेवा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम रखा है निरामयम। एक श्लोक भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
तो ये निरामयम की जो पूरी कल्पना है, ये योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा जिसमें पंचकर्म षटकर्म और इतना ही नहीं, जो हमारा आयुष चिकित्सा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, आयुष मंत्रालय जो मोदी सरकार में अभी एक नया मंत्रालय बना है, तो आयुष की पूरी परंपरा को हम इस पूरी चिकित्सा में साथ में लेकर के चल रहे हैं। और आप सबको यहाँ इस योगाग्राम में ये सारी चिकित्सा जो सदियों से युगों युगों से भारत में चलती आई है, महात्मा गांधी जी कहते थे योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें सिद्धा यूनानी और जितनी हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सब के सब इसमें समाहित है। तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति भारत के लोगों के लिए भारत की जलवायु के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए हमने योगाग्राम में ये पूरी चिकित्सा पद्धति को बहुत प्रामाणिकता के साथ में, जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें आध्यात्मिकता भी है, प्राचीनता भी है, और खास बात यह है कि आपकी जो लिविंग हैबिट्स हैं, जैसे जो शहर के लोग होते हैं खास करके, उनको आदत होती है एक कंफर्ट रूम हो, उनको जो है उनकी प्राइवेसी रहे, और माने उपचार में तो जो उपचार मिले वो करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे मर्ड थेरापी है, जल नीति है, सूत्र नीति है, सूर्य की रश्मियों से चिकित्सा है, मिट्टी से चिकित्सा है, फिर एनेमा है, फिर उसमें वमन है, शंख प्रक्षालन है, वो सारी चिकित्सा लेने की तो तैयार है। आहार में भी चाहे वो फल हैं, शाक सब्जियां हैं, जो जिस रोगी के लिए जो उपयुक्त है, क्योंकि सबसे बड़ी औषध तो हमारा आहार विचार व्यवहार संस्कार होता है, तो आदमी सारा उपचार लेने के लिए तो तैयार रहता है, लेकिन जो लिविंग हैबिट्स हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्राइवेसी है, उसके साथ ज़्यादातर लोग कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। तो हमने यद्यपि योगग्राम में पहले भी सामान्य आवास की व्यवस्था से लेकर के विशेष आवास तक की व्यवस्था की हुई थी, लेकिन ये निरामयम में जो पूरा आवासीय परिसर है, इसमें एक सिंगल कॉटेज है, इसमें फिर जो है डबल कॉटेज है, और फिर एक वीवीआईपी कॉटेज है जहाँ एक पूरा फैमिली रूम है, तो अलग अलग प्रकार के जो है आवासीय सुविधाएं हैं, जहाँ पर आप अकेले आ सकते हैं, दो व्यक्ति आ सकते हैं, पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं, जैसे आपको अनुकूलता बनती है उस तरह से आप यहाँ आइए और इस चिकित्सा का पूरा लाभ लीजिए। मैं स्वयं 1 तारीख की शाम को योगग्राम पहुँच जाऊँगा, और 2 तारीख से 2 मार्च से हम योगाग्राम में विधिवत रूप से ये पूरा योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर प्रारंभ कर देंगे। आपको रोग हो तो ही योगाग्राम में आना है, ऐसा नहीं है, माने ये रोगियों के लिए भी है और ये आरोग्य साधकों के लिए है। और मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ देना चाहता हूँ कि जो ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में कभी बीमार ही ना पड़े, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसके लिए भी ये योगाग्राम आपको नई जिंदगी देने वाला है, माने रीबर्थ देने वाला है, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन तक की एक पूरी यात्रा है, और आपको एक स्वस्थ जीवन जीने का एक मार्गदर्शन मिलता है और उसकी पूरी प्रैक्टिस होती है। देखिए मैंने देखा है 99% लोग जब तक उनको साथ ना मिले, किसी का सहारा, किसी का आलंबन, सानिध्य, प्रशिक्षण ना मिले, तब तक वो किसी
कार्य को करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाते। तो ये योगग्राम की जो पूरी प्रक्रिया है, योगग्राम की पूरी जो जीवन पद्धति है, वो इसी के लिए है कि आप लोग यहाँ पर आकर के और हमारे वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सकों का सानिध्य पा करके, मैं स्वयं आपके साथ में रहूँगा और हमारे भारत के जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय अरुण जेटली जी, उनसे हमारा वैसे भी बहुत प्रेम है। मैंने उनसे कहा कि आप आइए और इसका विधिवत जो है आपके हाथों से इसका उद्घाटन हो। तो आदरणीय अरुण जेटली साहब जिनसे हमारा बहुत पुराना प्रेम है, तो वो भी विधिवत इसका आकर के उद्घाटन करने वाले हैं। और जो है हमारी कोशिश रहेगी कि जब उनको भी फुर्सत हो तो वो भी स्वयं भी आकर के यहाँ पर आरोग्य लाभ लें। और मैं एक बात और कह रहा था कि ये मात्र जो है रोगियों के लिए नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया आपके एडवेंचर के लिए भी है। थोड़ा आप चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ एंटरटेन करें, कुछ अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। माने कितने देह में, मन में विकार, कितने तनाव, कितने झंझावात, कितनी उलझने लाइफ में होती हैं। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी इस जिंदगी में कुछ दिव्यता भरें। तो मैं, आप पूरे परिवार के साथ आते हैं तो भी आपको आमंत्रित करता हूँ। यद्यपि मैं हर बार तो नहीं रह पाऊँगा, लेकिन इस बार पहले 7 दिन का शिविर है, उसके बाद भी कोशिश मैं करूँगा कि मैं बीच बीच में आता रहूँ, क्योंकि अब एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस समय हमारे पास में करीब 500 लोगों के उपचार की फैसिलिटी यहाँ पर हमने की है। यद्यपि जो पुरानी फैसिलिटी थी वो सारी फुल हो चुकी है, करीब 400 लोगों की, और ये जो नई फैसिलिटी है यहाँ करीब हम 80 से 90 लोगों को ही एकोमोडेट कर पाते हैं। इससे ज़्यादा की यहाँ फैसिलिटी नहीं है। यद्यपि ये बहुत ही आलिशान व्यवस्था है, यदि आप उसको एकोमोडेशन की दृष्टि से कहें तो पूरा 7 स्टार यहाँ अरेंजमेंट है। और माने पर्सनल टच है, आपके एक एक के संपर्क में हमारा चिकित्सक, हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से लेकर के सलील माहेश्वरी जी से लेकर के जितने भी हमारे वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, हमारे थेरापिस्ट हैं, और मैं 7 दिन तक तो मैंने कहा मैं स्वयं रहूँगा, तो आप जिन्होंने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ एक बार, और आप एक बार आकर के देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये इस धरती का सबसे खूबसूरत स्थान है। यहाँ आकर के आप बहुत शकुन महसूस करेंगे, आपको स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, आपको शांति मिलेगी, एक नया जीवन मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी, और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में जिसको तनाव कहते हैं ना, वो तनाव नाम की चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। आदमी तनाव में, अभाव में और संघर्षों में, सब प्रकार की चुनौतियों में इस कदर जीता रहता है कि बस उसको जीवन का जो मूल तत्व है उसको सोचने का ही वक्त नहीं मिल पाता। तो एक तरह से ये मैंने कहा प्राकृतिक दृष्टि से ही धरती का स्वर्ग जैसा नहीं है ये योगग्राम। यहाँ आपके जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान है। अभी पिछले कुछ दिनों से छुट्टियाँ बहुत रही, कुछ बैंक की हड़ताल हो गई, तो जो रोगी अथवा आरोग्य साधक अथवा अपने जीवन को जो रूपांतरित करना चाहते हैं, एक लाइफ का डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, वो हमारे भाई बहन यदि यहाँ पर आना चाहते हैं तो सीधे भी आ सकते हैं। माने आने के बाद भी जो बैंकिंग प्रॉब्लम से आप जो फंड ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, जो इसके लिए सेवा सहयोग हमने रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसमें उसको आप यहाँ आकर के डायरेक्ट RTGS करवा सकेंगे, कार्ड से स्वैप करा सकेंगे, जो भी जैसे आपकी मतलब इसमें
जो डायरेक्ट आकर के और यहाँ कल से इस उपचार व्यवस्था में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि एक या तारीख तक आप रात तक आ जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है, और यदि 1 तारीख को भी आपको किसी प्रकार की असुविधा है तो आप 2 तारीख तक मैक्सिमम यहाँ पर आकर के और इस चिकित्सा का लाभ लीजिए। सेल्फ हीलिंग टू सेल्फलाइजेशन तक की ये जो पूरी यात्रा है इसका लाभ लीजिए, अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कीजिए। और भारतीय जीवन पद्धति क्या है, भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है, जीवन का असली आनंद क्या है, जिसको कहते हैं कि ये हेल्थ टूरिज्म, योग टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, और जो हमारी भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार जीवन को रूपांतरित करते हुए जो रियल एडवेंचर है लाइफ का, रियल रिलैक्सेशन है, कैसे अपने आप को डिटॉक्स करें, डिस्ट्रेस करें, कैसे अपने आप को और ज़्यादा ऊर्जा और दिव्यता से भरें, उसके लिए मैं आप सभी को योगाग्राम के निरामयम में आमंत्रित करता हूँ। मेरे साथ 7 दिन योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, प्राकृतिक चिकित्सा और पूरी हमारे जो ऋषियों की जीवन पद्धति है, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, और इसके द्वारा एक दिव्य जीवन का आरोहण, दिव्य जीवन का वरण आप किस प्रकार करें, तो उसके लिए आपको इन 7 दिनों में मिलेगा पूरा मार्ग।